नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपिका। क्या आपके मसूड़ों में सूजन, दर्द या मवाद आती है तो आपके मुंह में पायरे की शिकायत हो सकती है। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे केस का लाइव वीडियो दिखाएंगे जिसमें कि पायरिया हो रखा है और हमने स्टेप बाय स्टेप उनका इलाज किया है, जिसकी फोटो आपने थंबनेल में देखी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं डॉक्टर दीपिका और डॉक्टर रोशन दोनों सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो कि बिल्कुल सही जानकारी के साथ आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस का और सीरीज के अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिले। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशन। पायरिया का मतलब होता है कि दांतों में आपके टार्टर जमा होके वहां पे मसूड़ों में सूजन, खून और मवाद भी आती है, बदबू भी आती है मुख के अंदर। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉपर पायरिया का केस आपको दिखाएंगे, जिसकी हम शुरू से लास्ट तक कितनी बार हमने उसको बुलाया, कैसे कैसे हमने उसका इलाज किया, उसके बाद उसके रिजल्ट कैसे आए, कैसे उसका इलाज के बाद उसके दांत दिख रहे हैं, वो सारा हम इस केस में डिस्कस करेंगे। साथ ही उसके बाद इसका कितना खर्चा आता है वो भी हम आपको बताएंगे, और जैसे जैसे मरीज इलाज करवाता गया वैसे वैसे उसके दांतों में और मसूड़ों में कैसे इसका फायदा आता गया, उसके मसूड़े स्वस्थ होते गए, वो सारा हम लाइव इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब वीडियो पे चलते हैं। आप इनके मसूड़े की बॉर्डर देखिए कैसे बिल्कुल लाल हो रखी है, यहाँ पे टच करते ही मवाद आ रहा है, बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टच करते ही पस निकल रहा है, जो कि कितनी गंदी कंडीशन है, कितनी खराब सिचुएशन है। सोचिए आपके दांतों में यहाँ से मवाद निकल रहा है, वह कितनी गंदगी जमा हो रखी है, इस वजह से क्या बुरी सिचुएशन हो जाती है। अब हम दांतों के अंदर की तरफ देखते हैं, नीचे वाले दांतों के अंदर की तरफ आप देख सकते हैं इस मिरर के अंदर। तो जीभ की तरफ वाला जो हिस्सा है उसमें दांतों की बॉर्डर पर देखिए आप कैसे टार्टर जमा हो रखा है, कितनी गंदगी है। चलिए शुरू करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक मशीन है जिससे सफाई होती है। तो देखिए आप, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए अल्ट्रासोनिक मशीन से जहां दांतों की सफाई कर रहे हैं, तो जहां जहां पर मशीन हम टच करते हैं वहां वहां से ये टार्टर हटता जा रहा है, जिससे दांत की एक्चुअल कंडीशन आपके सामने आती जा रही है। इसमें पानी भी आता है, जिसको ये ग्रीन कलर की जो पाइप लगी रहती है ये अलग मशीन से अटैच होती है, जो सारे पानी को खींचती रहती है, जिससे आपको बार बार बाहर थूकने की जरूरत नहीं होती, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होती है, आपको मुंह खोल के लेटना होता है, नाक से सांस लेनी होती है, आंख खुला रखना होता है। इस प्रोसीजर के दौरान हमने इनको एनेस्थीसिया भी दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें मसूड़े के नीचे भी काफी सफाई करनी है, तो इस वजह से यहाँ पे एनेस्थीसिया मतलब सुन करना जरूरी है, अन्यथा इनको बहुत दर्द हो सकता है। तो एनेस्थीसिया देने के बाद इनको इस पूरे इलाज के दौरान कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए जहां पर ये टार्टर हट रहा है वहां मसूड़ा लाल और सूजा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि टार्टर के अंदर जो कीटाणु पनप रहे हैं वो आपके मसूड़े को भी गला रहे हैं और उसको कमजोर कर रहे हैं और उसको नीचे की तरफ सरका रहे हैं, जिसकी वजह से दांत और मसूड़े कमजोर होते जा रहे हैं। हड्डी ज्यादा सरक तो आपका दांत हिलने भी लग जाएगा। इस केस में ये दांत बहुत कम हिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बोन ग्राफ्ट वगैरह की ज्यादा जरूरत नहीं है और पेशेंट का बजट भी कम है, जिससे यहाँ पर बोन ग्राफ्ट नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, ये सब आप अपने घर पर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज की आवश्यकता होती है, और ये विशेष इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम डेंटिस्ट सीखते हैं पहले कैसे काम में लिया जाता है, सालों लगते हैं इसको सीखने में, और उसके बाद हम मरीज के ऊपर ये सारा काम करते हैं। ना ही आप घर पे किसी तीखी चीज से ये टार्टर हटाने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है आपके मसूड़े घुस जाए और वहां पे आपकी ज्यादा तकलीफ कर दे। साथ ही आपके दांत पे भी स्क्रैच होने के चांस होते हैं, जिसके बाद से ये टार्टर वापस बार बार जमा होने के चांस हो जाते हैं। अब इस मशीन से सिर्फ दांत के ऊपर ही सफाई नहीं होती, बल्कि दांतों के बीच में दो दांत आपस में जहां सटे होते हैं वहां पे भी सफाई होती है, और दांत पर मसूड़े के नीचे इसी से सफाई होती है। अभी सफाई और पॉलिश करने के बाद ही दांत साफ दिखाई दे रहे हैं, अंदर की तरफ से भी देख सकते हैं, इस मिरर में दिख रहा है अंदर से आपको। अब देखिए 10 दिन बाद मरीज की दूसरी सिटिंग है, जहां आप खुद देख सकते हैं कि मसूड़े कितने स्वस्थ हो रखे हैं। अभी पहले लालपन था वह कितना कम हो गया है। अब मसूड़े भी आपके सामने हम चेक कर रहे हैं, साथ में देख रहे हैं कि कहां कहां पर अभी गंदगी दिख रही है, क्योंकि देखिए सारा एकदम पहली बार में ही सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ब्लीडिंग भी हो जाती है, क्योंकि मसूड़ा बहुत सूजा हुआ रहता है, इसलिए कई जगह रह जाती है जहां पे थोड़ा बहुत हल्का
फुल्का टार्टर जमा हुआ रह जाता है, इसीलिए बार बार सिटिंग भी ली जाती है। एक कारण ये भी है मल्टीपल सिटिंग करने का, और वो भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही आपको बुलाया जाता है ताकि मसूड़ा थोड़ा स्वस्थ हो जाए, क्योंकि गंदगी कम होगी तो मसूड़ा स्वस्थ होगा ही होगा। इस वजह से जहां जहां आपके गंदगी बची रहेगी वहां वहां आपके मसूड़े में थोड़ी थोड़ी उस हिसाब से ही उसमें सूजन वगैरह और परेशानी रह जाती है, और वो अगली बार अगली सिटिंग में डॉक्टर देख लेते हैं तो फिर आगे का काम करते हैं, आगे की सफाई कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ देखिए मसूड़ा भी कुछ दिन बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर सरकने लग गया, आप दोनों दांतों के बीच में अच्छे से देख सकते हैं, ये अपने नेचुरल पोजिशन में आने की कोशिश कर रहा है। और देखिए मसूड़ों में सूजन कितनी कम हो गई है, एकदम अच्छा रिजल्ट आ रहा है, एकदम स्वस्थ दिख रहे हैं मसूड़े अब। देखिए इसी जगह हमने वीडियो को शुरुआत में जब टच किया था तो कितनी मवाद आई थी यहाँ पर, और अब यहाँ मवाद का नामो निशान नहीं है, हम अच्छे से दबाकर आपको दिखा रहे हैं, किसी तरह कि कोई मवाद या ब्लड जैसा कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ मसूड़े एकदम स्वस्थ हो गए हैं। और नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मसूड़े कितने स्वस्थ हो रखे हैं, धीरे धीरे ऊपर की तरफ दांतों की तरफ ये सरक रहे हैं और अपनी पोजीशन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए 10 दिन बाद इतनी अच्छी कंडीशन हो गई है कि मसूड़े काफी ऊपर आ गए हैं, और देखिए दांतों के बीच में मसूड़ा भी बनने लग गया है, वापस मसूड़ा ऊपर सरक रहा है और अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया है, कहीं पर कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं दिख रही है, कैसे दांतों के बीच में मसूड़ा आ गया है। और ये है इसकी फाइनल कंडीशन जो कि 30 दिनों बाद हुई है। अब ये मरीज भी बहुत खुश है, इनके मसूड़े इतने स्वस्थ हो रखे हैं, मसूड़ा अपनी नॉर्मल कंडीशन पे लगभग आ चुका है। और लगभग 30 दिन पहले हमने यहाँ से कितना टार्टर निकाला था, तब मसूड़ा कितना नीचे सरका हुआ था, और आज इस मसूड़े की कंडीशन देखिए, ना तो इसमें लालपन है, ना इसमें ब्लड आने के लग रहा है, ना इसमें सूजन है, और ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपने देखा कि कैसे हमने इस मरीज का इलाज किया, प्रॉपर पायरिया का जो इलाज होता है यही पायरिया का इलाज होता है, इन्होंने समय रहते इलाज करवा लिया क्योंकि इनके दांत अभी ज्यादा हिलना शुरू नहीं हुए थे, अगर ज्यादा हिलने लग जाते तो कुछ और भी प्रोसीजर हमें इसमें करने पड़ते, बाकी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स दांतों पे प्लाक और टार्टर कैसे जमा हो जाता है, क्यों जमा हो जाता है, कैसे ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, उस पर हमने इस सीरीज की शुरुआत में हमने वीडियोस बनाए थे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, और ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक आ रहा है, वहां जाके आप उसकी डिटेल देख सकते हैं। अब इस सफाई की वजह से ना तो आपके दांत कमजोर होंगे, ना ही आपके दांत घिसेंगे, ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दें, ना ही मसूड़ों में खून ज्यादा आएगा। देखिए सफाई जब आप करवाते हैं तो वो मसूड़ा, जैसे आपने इस वीडियो में देखा, जैसे ही आप सफाई करवाते हैं तो मसूड़े के नीचे जो इन्फेक्शन होता है उसमें सूजन रहती है, तो वहां से ब्लीडिंग कुछ दिनों तक आती है। सफाई के बाद जैसे ही आप नॉर्मल ब्रशिंग चालू करते हैं तो ब्रशिंग में आपकी ब्लीडिंग होती होती है, वो कुछ दिनों तक रहती है। जैसे जैसे मसूड़ा आपका स्वस्थ होता जाएगा वैसे वैसे वो ब्लीडिंग भी खत्म हो जाएगी। तो उसकी वजह से ऐसे नहीं है कि आपने आज सफाई करवाई है और आप ब्रश नहीं करें, आप अपने दांतों पर ब्रश जरूर करें, सफाई कराने के बाद भी आप ब्रश करें, अगर ब्लड आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ टाइम बाद कुछ दिनों बाद आना बंद हो जाएगा। पर अगर आपको ठंडा गर्म लग रहा है तो उसके लिए आप सेंसिटिव टूथपेस्ट काम में ले सकते हैं, बहुत कॉमन है ये टार्टर हटवाने के बाद दांतों में ठंडा गरम लगना, तो उस स्थिति में आप सेंसिटिव टूथपेस्ट काम में ले सकते हैं, जिस पर हमने अलग से वीडियो बनाया है जिसका ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहां जाके उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। अब ये सारा इलाज अगर आप करवा लेते हैं उसके बाद आप ब्रश और फ्लॉस अच्छे से मेंटेन करते हैं, देखिए सब पे हमने पहले वीडियो बना रखे हैं कि ब्रश फ्लॉस प्लाक टार्टर सब पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं। साथ ही अगर आप टूथब्रश टूथपेस्ट या फ्लॉस या कोई सेंसिटिव टूथपेस्ट वगैरह खरीदने में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे हमने ऑनलाइन लिंक कुछ सिलेक्शन हमने करके दिए हुए हैं, वहां जाके आप ये सब देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। तो अगर ये सारा इलाज करवाने के बाद आप ब्रश और फ्लॉस अच्छे से मेंटेन करते हैं कि दो टाइम ब्रश करें एक टाइम फ्लॉस भी करें, उसके बाद ये टार्टर वापस जमा होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, पर फिर भी अगर आपके जमा हो रहा है तो ये जमा होने में टाइम बहुत लगेगा, और अगर जल्दी जमा हो रहा है तो फिर आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलर चेकअप करवाएं, क्योंकि हो सकता है किसी और कारण की वजह से ये बार बार आपके जमा हो रहा हो, जिसके लिए हो सकता है कुछ टेस्ट वगैरह भी आपको करवाने पड़े, तो उसके लिए फिर आपको एक बार डेंटिस्ट से चेकअप करवाना ही पड़ेगा। फिर भी आप हर 3 या 6 महीने से आप अपने डेंटिस्ट से चेकअप जरूर करवाएं ताकि दांतों में कोई और परेशानी ना हो और दांत आपके स्वस्थ रहे। अब इसमें हम खर्चे की बात करें तो खर्चा करीब 1000 रुपए से शुरू होता है, जो कि अलग अलग डेंटिस्ट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग चार्ज करते हैं। इस केस में हमें 4 से 5 सिटिंग लगी है। अगर प्लाक और टार्टर ज्यादा होता है तो आपकी सिटिंग्स भी ज्यादा होती है, 5 से 6 सिटिंग भी आपको लग सकती है अगर ज्यादा प्लाक और टार्टर आपके दांतों में जमा हो रखा है तो। पर ऐसा नहीं है कि आप 1-2 सिटिंग करवाएं उससे आपके थोड़ा रिलीफ आ जाए उसके बाद आप नहीं जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टार्टर जब तक पूरा नहीं हट जाता तब तक आप अच्छे से क्लीनिंग करवाएं और साथ में पॉलिशिंग भी करवाएं ताकि वापस जमा होने के चांस कम हो। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी ये जेन्युइन जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ऐसी ही और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके लिए और वीडियो बनाएंगे, और ये इन्फॉर्मेशन आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।